अकोला में गौरक्षण रोड पर स्थित ग्रामीण विभाग के महावितरण कार्यालय में हाल ही में टेस्टिंग विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रशांत बी गोंधड़ेकर के साथ एक व्यक्ति ने कार्यालय में घुसकर गाली गलौज और बदसलूकी की है। इस घटना के खिलाफ दी गई शिकायत के अनुसार गाली गलौज कर रहे शख्स का नाम रविंद्र सुरेका बताया जा रहा है, जो न्यू तापड़िया नगर निवासी है। इस वीडियो में एक व्यक्ति महावितरण कार्यालय में पहुंचकर पहले तो किसी इंस्पेक्शन के फाइल के बारे में पूछता है और फिर जब प्रशांत बी गोंधड़ेकर नामक अधिकारी उसे प्रमाणित दस्तावेजों की मांग करता है और आप उस कॉन्ट्रैक्टर के ऑथराइज ठेकेदार हो क्या, ऐसा सवाल करता है, जिसके बाद आग बबूला होकर वो शख्स अधिकारी के साथ बदतमीजी पर उतर कर ये तेरा ऑफिस नहीं है आवाज नीचे रखने की धमकी देते हुए गाली गलौज करने लगता है। सर ते आपण काहीशी इन्स्पेक्शन केलं होतं ना, त्या फाईलसाठी आलो होतो साहेब। मी तुम्हाला डॉक्युमेंट्स पाहिजे होते, त्याची फाईल कुठे? डॉक्युमेंट दिले साहेब त्या दिवशी तुमच्याकडे तिथूनच, पण मला ते ऑथरायझेशन लेटर द्यायचं, तुम्ही त्याचे ऑथराईज कॉन्ट्रॅक्टर आहे कशा? अच्छा ऐसा आहे क्या? ठीक आहे साहेब, तुम्हाला काही हरकत नाही आहे, मग आपको ऑथरायझेशन नाही एकदा बोला ऑथरायझेशन लेटर अभि आपको ला के देता मग 10 मिनिट सिर्फ 10 मिनिट गोंधळ कर साहेब, आप अभी शायद नहीं जानते उस चीज़ के लिए, लेकिन सुनो ना, तू जितनी ठसन से बोल रहा ना अभी, इतनी ठसन से तुझको मैं बोलूँगा अभी, सिर्फ 10 मिनट तक तो अभी ऐ आवाज नीचे तक, इतनी गर्म बात मत करें, हिसाब से बात कर, बाहर जा करके ये 7 बजा तेरा ऑफिस का नहीं है बने हुआ, हिसाब से बात कर, हिसाब से बात कर, हिसाब से बात कर, बाहर जा मत बोले, तेरे घर का ऑफिस नहीं है, हिसाब से बात कर और आवाज नीचे तक। किसको बुलाता तू? किसको बुलाता तू? किसको बुलाता तू? किसको बुलाता तू? चल समझो सांगा थोड़ा सा। अरे मारना तो तुले मी। बहरहाल इस घटना के खिलाफ पीआर राठौड़ नामक एक शख्स ने इसकी शिकायत महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा राज्य मंत्री नितिन राव सहित बिजली वितरण के मुंबई स्थित संचालक एवं दक्षता और सुव्यवस्था कार्यालय को भेजी है। सूत्रों की माने तो घटना से आहत होकर संबंधित अधिकारी प्रशांत बी गोंधड़ेकर नामक अभियंता दीर्घकालीन छुट्टी पर चले गए हैं। बहरहाल इस घटना के खिलाफ अकोला के खदान पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। शिकायतकर्ता ने इस मामले की जांच कर गाली गलौज करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। देखना होगा कि उपरोक्त शिकायत पर संबंधित पुलिस थाने के जांच अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज़।